बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का कुछ क्वेश्चंस जो है वो पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री एंड पार्ट फोर वाले वीडियो में हमने बना रखा है, उसके क्वेश्चंस पे डिस्कशन कर रखे हैं। ठीक है, आप उसको देखिएगा। वो क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कई पार्ट में हैं। ठीक है, जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नए देख रहे हो वीडियो, अगर मेरा देख रहे हो, आप नए जुड़े हुए हो चैनल पे, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक वीडियो पहुंच सके, नोटिफिकेशन आप तक मिल सके और आप उसको वीडियो देख सकें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 39, इसमें दिया हुआ है क्या, द डीएनए ऑफ ई कोलाई इज, ई कोलाई मतलब एस सिलिचिया कोलाई, ई का मतलब क्या होगा, एस सिलिचिया। ठीक है, एस सिलिचिया कोलाई एक तरह का क्या है, बैक्टीरिया है, इस टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ओके, तो एस सिलिचिया कोलाई जो होता है इसके अंदर क्या होगा, इसमें जो डीएनए पाया जाता है ना, वो खास करके डबल स्टैंडर्ड होता है और सर्कुलर भी होता है। ठीक है, जो बैक्टीरिया होती है इसके अंदर जो डीएनए होगा वो ऐसे सर्कुलर मान लीजिए और डबल स्टैंडर्ड मान लीजिए इसको। ठीक है, इसमें ऑप्शन कौन सा करा जाएगा, ए का दिया है, ए दिया हुआ डबल स्टैंडर्ड एंड लीनियर, बी ऑप्शन में क्या दिया है, डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर, सी में है सिंगल स्टैंडर्ड एंड लीनियर, डी में दिया हुआ है क्या, सिंगल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट जाएगा, 39 का बी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 का, इसको बी करेक्ट कर लीजिएगा, 39 का बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, द मेन रोल ऑफ बैक्टीरिया इन द कार्बन साइकिल इन्वॉल्व्स, यानी बैक्टीरिया जो होता है उसका कार्बन साइकिल में क्या रोल है, क्या किस रोल में इम्पोर्टेंट करता है। तो देखिएगा, ए में दिया हुआ है कीमोसिंथेसिस, ठीक है, और बी में दिया हुआ है क्या, डाइजेशन ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाँ भाई, यही जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेकडाउन करता है, ठीक है, उसका डाइजेस्ट करता है। तो ये करना है 40 का बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, ए फ्यू ऑर्गेनिज्म्स आर नोन टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई एट टेम्परेचर्स ऑफ 100 टू 105 डिग्री सेंटीग्रेड, दे बिलोंग टू, यानी हाई टेम्परेचर का यहाँ पे सेंस आ रहा है। ठीक है, 100 टू 105 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है भाई जो इतने टेम्परेचर पे भी एग्जिस्ट कर सके, तो चेक करिए। तो खास करके जो टेम्परेचर होता है उसको थर्मो बोला जाता है। ठीक है, और ऐसे बैक्टीरिया जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे भी अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर, थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया। अगर ऑप्शन में थर्मोफिलिक बैक्टीरिया भी दिया रहा है तब भी आप करेक्ट करना। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 42 क्वेश्चन का क्या है, द हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट इन द बैक्टीरियम ई कोलाई इज, मतलब जो पहला जो 39 का क्वेश्चन है वैसा कुछ मिलता जुलता है। ई कोलाई जो होता है बैक्टीरिया है, देखिए यहाँ पे बता दिया, इसमें लिखा हुआ भी है बैक्टीरियम ई कोलाई। ओके, हेरिडिटरी मटेरियल क्या होता है भाई, हेरिडिटरी मटेरियल क्या होगा उसको, जिसमें मतलब डीएनए जो होता है उसके अंदर जीन होता है, तो ठीक है, तो इसमें क्या होगा, डीएनए, और डीएनए इसमें कई जगह पे दिया हुआ, आरएनए तो जाएगा नहीं इसका, इसको कट कर दीजिए, गलत कर दीजिए इसको। ठीक है, तो सिंगल स्टैंडर्ड तो होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, यानी 42 का बी करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। एजोटोबैक्टर एंड बैसिलस पॉलीमिक्सा आर द एग्जाम्पल ऑफ। ये खास करके एजोटोबैक्टर जो होता है वो नॉन सिम्बायोटिक होते हैं, ठीक है, और नाइट्रोजन फिक्सर भी होते हैं, ठीक। तो ये भी आ जा रहा है, बैसिलस पॉलीमिक्सा ये भी नाइट्रोजन फिक्सिंग करेगा, है ना। तो 43 का कौन सा जाएगा, डी करेक्ट आंसर, ठीक। 43 का डी इज करेक्ट आंसर। व्हाट आर द सेक्स ऑर्गन्स प्रोवाइडेड इन सम बैक्टीरिया। भाई क्या होता है इसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर सेक्स ऑर्गन क्या होता है, इसमें आएगा सेक्स सेक्स पिली या पिलाई भी बोल सकते हैं। ये एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में मतलब उसके साथ में कंजुगेट करता है यानी जुड़ता है आपस में, ठीक है। जैसे मान लिया एक बैक्टीरिया ये है, इसमें पिली छोटा छोटा स्ट्रक्चर होगा, कई स्ट्रक्चर होंगे, उसके साथ में दूसरे बैक्टीरिया को जोड़ लेता है, फिर उसके जो डीएनए होते हैं एक दूसरे के वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। तो डीएनए मतलब जो ट्रांसफ़र होता है तो उसको क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं इस कंडीशन में। ओके तो ये रहा क्वेश्चन, आप इसके आंसर अच्छे से देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है थोड़ा, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में भी, ताकि उन तक भी पहुंच सके वीडियो। ओके चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। विच टाइप ऑफ डीएनए इज फाउंड इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कौन से टाइप का होता है डीएनए, उसको देखिएगा। तो वही आ गया, सर्कुलर होता है, ठीक है, और इसमें दिया हुआ सर्कुलर फ्री डीएनए दिया हुआ है, ठीक। तो कौन सा इसमें जाएगा, मेम्ब्रेन बाउंड डीएनए दिया हुआ नहीं जाएगा, स्ट्रेट डीएनए दिया हुआ नहीं दिया, हेलिकल नहीं जाएगा, सर्कुलर फ्री डीएनए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 46। ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी डिकम्पोज्ड बाय। जो डिकम्पोजिशन में काम करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, उसका कौन सा ऑप्शन जाता है, जो कीमोलिथोट्रॉप्स रहेगा, ठीक है, कीमोलिथोट्रॉप्स, इसमें जाएगा 46 का बी, ठीक। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, इसे मेनी ब्लू ग्रीन एलगी अकर इन थर्मल स्प्रिंग्स, यानी इसमें क्या दिया हुआ है, हॉट वाटर स्प्रिंग्स, द टेम्परेचर टॉलरेंस ऑफ दीज एलगी हैव बीन एट्रीब्यूटेड टू दियर। चलिए इसमें देखिएगा, इसमें जो बैक्टीरिया जो होता है ना, हाई टेम्परेचर हॉट स्प्रिंग में जो रह लेता है, वो खास करके अपने स्पेसिफिक सेल वॉल करेक्टर की वजह से होता है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर तो होते नहीं है, बट इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी यानी मोनेरा में आ जाएगा तो इसमें होगा ही नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑफ होमोपॉलीमर बॉन्ड इन दियर प्रोटीन, ये भी नहीं जाएगा, सेल वाल स्ट्रक्चर आ गया। तो 47 का सी इज करेक्ट आंसर, ठीक। 48 देखिए क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म्स विच फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉयल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ। तो भाई इसमें ऑप्शन कौन सा जाएगा, ए, इसमें तो ए जाएगा, बैक्टीरिया, ठीक है, जो एटमोस क्यों, क्योंकि एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ठीक है, मिट्टी। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, 49 का, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सिंग आ रहा तो इसमें मान के चलिएगा बैक्टीरिया खास करके जाएगा, जो N2 फिक्सर होते हैं, ठीक। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट जा रहा, 48 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया इज मेडिएटेड बाय। ट्रांसडक्शन तो यानी जो मान लिया किसी बैक्टीरिया के अंदर ना, अगर कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र किया जा रहा हो, जैसे सपोज दैट डीएनए,
डीएनए ट्रांसफ़र किया जा रहा हो, तो वो जो होता है बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र करने का जो मेथड होगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसडक्शन, जो कि किसके थ्रू भेजा जा सकता है, किसी भी बैक्टीरियोफेज के थ्रू भेजा जा सकता है। किसके थ्रू? किसी भी बैक्टीरियोफेज के थ्रू। उसका स्पेसिफिक बैक्टीरियोफेज होगा। तो बैक्टीरियोफेज क्या होता है? एक तरह का वायरस होता है। किस क्या होता है? एक तरह का वायरस होता है। किसका वायरस होता है? बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरियल वायरस होता है, ठीक है भाई। चलिए तो इसमें देखिएगा ऑप्शन कौन सा कट जाएगा, मिलाइए। 49 का, तो इसमें प्लाज्मिड वेक्टर्स दिया हुआ है। ये तो डीएनए के फॉर्म में होता है, बैक्टीरिया में होता है, तो जाएगा नहीं। ऑप्शन ए का नहीं आंसर करेक्ट जाएगा। क्वेश्चन कौन सा जाएगा? 49 का बी दिया हुआ, फेज वेक्टर्स। तो फेज मतलब वही समझना है आपको, कौन सा? बैक्टीरियो फेज। तो 49 का बी करेक्ट आंसर जाएगा, ठीक है। करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। याद रखिएगा, जब भी फेज वेक्टर्स मतलब क्या हो जाएगा, जो किसी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ले जाने वाला हो, जैसे होती है ना वो मक्खी होती है, तो मक्खी भी वेक्टर की तरह काम करती है, कोई बीमारी फैलाती है, बहुत से बीमारी फैलाती है। मच्छर होते हैं, वो भी, मॉस्किटोज, वो भी फैलाते हैं, तो इसलिए उसको भी वेक्टर बोला जा सकता है। ऐसे ही बैक्टीरियोफेज भी एक तरह का यहाँ पे वेक्टर का काम करेगा। तो 49 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा जाएगा? बी, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, इसका देखिएगा। जीनोफोर ऑब्लिक बैक्टीरियल जीनोम और न्यूक्लियोइड इज मेड ऑफ, किसका बना होता है भाई? देखिएगा इसमें ए दिया हुआ हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन, ठीक है, बैक्टीरिया का चेक करना है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिएगा, बी दिया हुआ आरएनए एंड हिस्टोन। हिस्टोन्स एक तरह के प्रोटीन होते हैं, ठीक है, और दिया नॉन हिस्टोन्स, तो ये तो गलत ही हो जाएगा, नहीं जाएगा। आरएनए एंड हिस्टोन्स, ये भी नहीं जाएगा, ठीक है। सी दिया हुआ है क्या? ए सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, मिल गया। ए सिंगल सिंगल डीएनए मान लीजिए, डबल होता है, स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, और क्या है? डीएनए है। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? 50 का, यानी 50 का सी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए, हमने कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, कई मतलब कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, बताया नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको अच्छे से देखिएगा और अपने लोगों में आप शेयर करिए और कमेंट करिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू।